लोगों को सत्या प्रकाश में ऋषि दयानंद ने 14 समुल्लास जो कुरान के ऊपर कुरान पर आधारित है 14 समुल्लास और उसमें कुरान की आयतों के साथ ऋषि दयानंद ने जो समीक्षा की है मैं उसी में से आप लोगों को पढ़कर सुना रहा हूँ। और ऋषि के मंतव्य या कुरान की छानबीन किस तरीके से ऋषि ने किया है वो मैं आपको दर्शा रहा हूँ। यहाँ प्रकरण है प्रश्न 12, कुरान में क्या कहा है, ऋषि दयानंद उसे दर्शा रहे हैं कि हमने कहा कि ओ आदम, तुम और तुम्हारे जोरू पत्नी बहश्त में रहकर आनंद में जहाँ चाहो खाओ, परंतु मत समेत जाओ उस वृक्ष के कि पापी हो जाओगे। शैतान ने उसको डिगाया और उसको बहश्त के आनंद से खो दिया। तब हमने कहा कि उतरो, तुम्हारे में कोई परस्पर शत्रु है, तुम्हारा ठिकाना पृथ्वी है और एक समय तक लाभ है। आदम अपने मालिक को कुछ बातें मालिक से या मालिक की कुछ बातें सीखकर पृथ्वी पर आ गया। यह है मंजिल 1 सिपारा 1 सूरत 2 आयत 35, 36 और 37, यानी सूरा बकर की आयत 35, 36 और 37 ऋषि ने यहाँ उद्धृत किया है। पर समीक्षा में ऋषि क्या कह रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुने। अब देखिए खुदा की अल्पज्ञता, अभी तो स्वर्ग में रहने का आशीर्वाद दिया और पुनः थोड़ी देर में कहा कि निकलो, जो भविष्यत बातों को जानता होता तो वर ही क्यों देता। यानी परमात्मा अल्लाह को अगर ये बातें पहले से पता होती, ये इनकी मान्यता है अल्लाह जो चाहता है सो होता है, जो चाहता है सो करता है, तो आदम अल्लाह के आदेश का उल्लंघन करेगा ये अल्लाह पहले से जानते थे या नहीं। इसीलिए ऋषि दयानंद यहाँ पर अल्पज्ञता लिखा है। और बहकाने वाले शैतान को दंड ना देने से असमर्थ भी दिख पड़ता है। यानी जो शैतान है जो अल्लाह का आदेश का पालन नहीं करता है उसको दंड देना चाहिए। अब उसको दंड देने के बजाय उसको तो आशीर्वाद दे दिया और आदम के लिए कहा कि वो तुम्हारा खुला शत्रु है, उसके बहकावे मत आओ। अब उसने फल खिला दिया और दंड आदम को दिया जा रहा है। ऋषि दयानंद को इसीलिए लिखना पड़ा कि ये कैसा आशीर्वाद है, अभी तो आशीर्वाद दिया और अभी फिर निकलने को कहा। और वह वृक्ष किस लिए उत्पन्न किया गया था, यानी जो फल खाने के लिए मना किया जिस वृक्ष के, ऋषि सवाल उठा रहे हैं उस वृक्ष को किस लिए लगाया गया था, क्या अपने लिए या दूसरों के लिए। जो अपने लिए किया था तो उसका क्या जरूरत थी, जो दूसरे के लिए किया या दूसरे के लिए फल लगाया तो फिर उसको खाने से रोका क्यों। इसलिए ऐसी बातें ना खुदा की और ना उसके बनाए पुस्तक में हो सकती है। आदम साहेब खुदा से कितनी बातें सीख आए और जब पृथ्वी पर आदम साहेब आए तब किस प्रकार आए, क्या वह बहिष्ट पहाड़ व आकाश के ऊपर है जो अल्लाह ने ऊपर से गिरा दिया। यानी बहिष्ट से पृथ्वी पर आने का तरीका क्या है, ये ऋषि दयानंद पूछ रहे हैं इस्लाम जगत से, कुरानकारों से, कुरान के मानने वालों से, कुरान के जानने वालों से, कि जन्नत से अल्लाह ने आदम को बहिष्ट से आदम को दुनिया में भेजा तो किस प्रकार भेजा, क्या आसमान से टपका दिया, पहाड़ से टपका दिया, आसमान से गिरा दिया, उससे कैसे उतर आए, अथवा पक्षी के तुल आए, अथवा जैसे ऊपर से पत्थर गिर पड़े वैसे ही गिराया गया।
इसमें वह विदित होता है कि आदम साहिब मिट्टी से बनाए गए तो उनके स्वर्ग में भी मिट्टी होगी, यानी मिट्टी से बनाए गए तो स्वर्ग में भी मिट्टी होगी, और जितने वहाँ और हैं वह भी सब वैसे ही फरिश्ते आदि होंगे, क्योंकि मिट्टी के शरीर बिना इंद्रिय भोग नहीं हो सकता। जब पार्थिव शरीर है तो मृत्यु भी अवश्य होना चाहिए, यदि मृत्यु होता है तो वे वहाँ से कहाँ जाते हैं, और मृत्यु नहीं होता तो उनका जन्म भी नहीं हुआ हो। जब जन्म है तो मृत्यु अवश्य है, क्योंकि शरीर में आत्मा रहने का नाम जन्म और आत्मा निकल जाने का नाम मृत्यु। यदि ऐसा है तो कुरान में लिखा है कि बीवियां सदैव बहिष्ट में रहती हैं, सो झूठ है। वो झूठा इसलिए है कि बीवियां सदैव वहां पर रहती हैं और पुरुषों का आना जाना लगा रहता है, तो बीवियों का सदैव रहने का वहां क्या मतलब, ये शब्द झूठा हो जाएगा, क्योंकि उनका भी मृत्यु अवश्य होगा। जब ऐसा है तो बहिष्ट में जाने वालों की मृत्यु अवश्य होगा। जो जिक्र फरमाया है ऋषि दयानंद ने 35, 36, 37, 38 का, उसमें कुरान में अल्लाह ने क्या कहा उसे हम सुन लेते हैं। वकुल या आदम उस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्नत वकुल मिन्हा रगदन हैसु शितुमा वला तक़रब हाज़िहि शजरत फतकून मिनज़्ज़ालिमीन فأغزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمة فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم یہ شبد آیا ہے قرآن کے اندر میں اور آپ لوگ इसे भली भांति जो प्रश्न नंबर 12 है इसमें ऋषि दयानंद ने सवाल उठाए हैं बहिश्त अल्लाह आदम और शैतान पर, कि बहिश्त में जो बगीचा लगाया हुआ सब का फल खाने के लिए हुक्म दिया, लेकिन बीच में एक पेड़ लगा है उसका फल मत खाना, ये आदम को कहा। तो आदम अल्लाह के रास्ते पे थे, मुशफिक सुल्तान ने तो लिखा है कि अल्लाह के रास्ते पे थे, कुछ देर के लिए भटक गए थे। ऋषि दयानंद ये कह रहे हैं कि अल्लाह, अगर आदम अल्लाह के रास्ते से भटक गए थे तो अल्लाह को पहले से जानकारी थी या नहीं, पहले से अल्लाह जानते थे या नहीं। जब यहाँ कुरान खुद कह रहा है माशाअल्लाह कान लम यशाउ लम यकुन, अल्लाह जो चाहता है वही होता है, अल्लाह जो चाहता है सो करता है, तो यहाँ अल्लाह के करने में और चाहने में भी सवाल उठा है। इसलिए मैंने तो इस्लाम जगत वालों से ये पूछा, हाफिज सईद से भी पूछा और इस्लाम जगत के कई कई मौलानाओं से पूछा कि अल्लाह जो चाहता है सो करता है और जो चाहता है सो होता है, तो अल्लाह ने चाहा शैतान से आदम के सामने सीधा करवा ले, नहीं करवा पाए। अल्लाह ने चाहा आदम इस फल को ना खाए, लेकिन उस फल को खाने से नहीं रोक पाया। अल्लाह जानकार थे या अज्ञानी हैं, ऋषि दयानंद लिख रहे हैं कि अल्लाह का ज्ञान इसलिए पूर्ण नहीं है, और फिर उसे अभी आशीर्वाद दिया जन्नत में रहने के लिए और फिर वहाँ से उसको निकाल देना पड़ा। तो अल्लाह को पहले से इल्म था या नहीं कि आदम हमारा हुक्म अदली करेगा, तो इस तरीके से ऋषि दयानंद ने कुरान पर सवाल उठाया है। और आदम को जो जन्नत से दुनिया में गिराया गया बताया जाता है, तो दुनिया में कैसे गिराया गया, ऋषि दयानंद सवाल उठा रहे हैं कि जन्नत है कहाँ, और जन्नत में मिट्टी है, यानी आदम को मिट्टी से बना तो वहाँ मिट्टी है, और जन्नत से अगर गिराया गया धरती पर तो गिराने का तरीका क्या था, क्या ऊपर से लुढ़का दिया, या चिड़िया जैसा उड़ करके आए, या पत्थर जैसा गिराया गया, कैसे आए धरती पर। अब यहाँ असदुद्दीन ओवैसी ने भी बोला कि हमारे पिता हजरत आदम को अल्लाह ने जन्नत से भारत में भेजा। वहाँ कससुल अंबिया नामक किताब में भी यही लिखा है कि ईरानाथ पहाड़ जो भारत का खजाना बताया, जखीरा बताया गया, वहाँ पर भेजा गया। तो इस तरीके से ऋषि दयानंद ने जो सवाल उठाया अपने अमर ग्रंथ सत्यात प्रकाश पर, उन सत्यात प्रकाश में आप देखेंगे कि कुरान की छानबीन करने पर ही इन सच्चाई का पता लगेगा। आप लोगों से मैं
केवल समीक्षा नंबर 12 को पढ़ करके सुनाया, और यानी सवाल नंबर 12 को पढ़ करके सुनाया, उसमें ऋषि के जो समीक्षा है उसे भी सुनाया, कुरान के उन आयतों को दर्शाया जिन आयतों की चर्चा ऋषि दयानंद ने यहाँ की है। धन्यवाद।